अगर आप भी बिना नंबर की बाइक लेकर घूम रहे हैं तो हो जाइए सावधान। टोहाना सिटी थाना प्रभारी आए एक्शन में, दी सख्त चेतावनी। कोई भी वाहन चालक बिना नंबर प्लेट के पाया गया तो होगी सख्त कार्रवाई, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। टोहाना सिटी थाना प्रभारी राजपाल ने टीवी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए बताया कि शहर में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस की टीमें पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें सिविल ड्रेस में भी पुलिस जो है तैनात है, पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए आमजन भी सहयोग करें। चोरी के लिए जहाँ हमने कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए हुए हैं, यहाँ पे जहाँ सोशल गैदरिंग वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ बाइक्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ चोरी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हमने वहाँ पे स्पेसिफिक हमारे जो होमगार्ड हैं, एसपीओ हैं, वहाँ ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। फिर भी कोई स्ट्रे इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी बाइक वगैरह को लॉक करके रखें और थोड़ा सा सावधानी बरतें। कई बार लोग हैं ना जल्दबाजी में बाइक के में चाबी छोड़ जाते हैं और वो कंप्लेंट में भी ये लिख देते हैं कि चाबी मेरी अंदर ही थी, मैं 2 मिनट के लिए गया था। तो इस चीज़ से बचें, अपनी सावधानी रखें और कोई भी इस तरह की चीज़ें, और एक अपने कागज वगैरह जब हम कोई चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो डॉक्यूमेंट्स लोगों पे नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यंगर जनरेशन है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखें और यहाँ एक चलन डालें कि भाई हेलमेट वगैरह लगाएँ अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई मतलब किसी की जान ना जाए अननेसेसरी एक्सीडेंट्स वगैरह में। और कोई भी अगर आपको पूछता है, कोई पुलिस वाला या कोई भी आपको चेक करता है, तो आप मतलब ईमानदारी से बताएं ये चीज़ें कि जी मेरे पास ये कागज़ है, और सेफली चलाएं और अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसा लगता है सस्पेक्टेड, जैसे कॉलेज है या कोई मार्केट है मेन में उसमें, या जहाँ भी अपने दुकानदार भाई हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस इलाके में कोई सस्पेक्टेड बंदा है, तो पुलिस को तुरंत बताएं। 112 हमारी गाड़ी भी चेक करती रहती है, राउंड लगाती रहती है सारे। तो और आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लोग इसमें अवेयर रहें और इस चीज़ को टेक इट ग्रांटेड ना लें कि भाई आपका कुछ नहीं होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रखें प्रॉपर तरीके से और सावधानी रखें, जहाँ भी रखें अपनी गाड़ी को लॉक करके रखें, बाइक वगैरह। बिना नंबर वालों को भी हमने काफ़ी लोग इम्पाउंड भी किए हैं बाइक से, और मेरा यही है कि अपने नंबर लगवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर है तो आप चोरों की गिनती में क्यों आते हो? मतलब आप जब आपने बाइक ले रखी है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए उसका और अच्छे से यूज़ कीजिए। व्हीकल का पर्पज यही है कि आपका कन्वेंस है, आराम रहेगा आपको, काम आएगी आपके। लेकिन बिना बाइक की चलान, जो बिना नंबर की नंबर प्लेट की बाइक्स हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। और ये सख्त वार्निंग है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस बारे में, क्योंकि इसमें जो बिना नंबर प्लेट की जो बाइक्स हैं, उसमें हमारे ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि भाई कोई मिस हैपनिंग ना कर जाए, कोई और मतलब छिनेती ना कर जाए, कोई और नुकसान ना पहुंचाए, कोई वारदात कर जाए, तो फिर उसको कैसे कैटर करेंगे हम। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो भी यंगर जनरेशन जो स्कूल गोइंग है, कॉलेजिएट हैं, और सभी नागरिकों से, टवाना वालों से मेरी ये विनती है कि भाई अपने सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर भी दिन के समय भी होती हैं, लेकिन क्या है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो ज़्यादा फॉलो भीड़ होती है शहरों में, तो उसमें लोग इतने चिन्हित नहीं हो पाते। रात में कुछ लोग होते हैं तो, और पुलिस की चेकिंग भी होती है तो दूर से पहचान में आ जाते हैं, तो ये मिक्सिंग है, जैसे भीड़ होती है तो उसमें वो मिंगलअप हो जाते हैं, तो उसलिए थोड़ा सा ये घटनाएँ इसलिए दिन में रहती हैं। फिर भी हमारी तरफ से ये प्रयास है पूरा भाई इस तरह की वारदातें ना हो, और जगह जगह पे हमने पुलिस लगाई हुई है हर जगह पे, सिविल ड्रेस में भी हमारे कुछ मुलाजिम लगे हुए हैं इस पर्पज से, और हमने काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है, जो बाइकर्स वगैरह हैं, जो चोर हैं उनको भी पकड़ा और आगे भी पकड़े हैं।